हाँ सीमा। हाँ अभी तुम सामान पैक करोगे ना तो मेरी दो टाई रख देना। दो टाई? कहाँ जाने की तैयारी है? अरे मैंने बताया था ना तुमसे, बैंगलोर जा रहा हूँ मीटिंग के लिए, एक दिन की मीटिंग है। अच्छा हाँ, मैं तो भूल ही गई, मेरे तो दिमाग से ही निकल गया था। हाँ तो सामान पैक कर दें। ठीक है, वो मैं एक बात पूछूँ। हाँ बैंगलोर जाना इतना ज़रूरी है क्या आज ही? वो आज मायापुरी वाली चाची है ना, उनके यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा है, तो मैं सोच रही थी कि हम सब एक साथ चल लेते तो अच्छा होता, इसी बहाने पूरे परिवार से भी मिल लेते। अरे यार आज तो मीटिंग है, मीटिंग ज़्यादा ज़रूरी है यार। एक काम करो ना, तुम बच्चों के साथ चली जाओ। हाँ ठीक है, मैं बच्चों को ले जाती हूँ, फिर आप जाइए सामान पैक कर देना। हाँ ठीक। अरे वो सब तो ठीक है, नाश्ता तो कर ले, कितनी देर हो गई है। हाँ ले आओ। ठीक है। अरे बेटा सुन तो, वो मायापुरी वाली चाची जी है ना, उनके यहाँ पे सत्यनारायण भगवान की कथा है, तो चल मैं तू और ईशा एक साथ चलते हैं। मैं क्या बात कर रहे हो आप, इतना इम्पोर्टेंट मैच छोड़ के मैं वहाँ कथा सुनने जाऊँ? सेक्स! अच्छा बेटा सुन, एक काम कर कि तू मुझे वहाँ छोड़ कर आ जा। मम्मी कैब से चले जाओ, मैं बुक कर देता हूँ। बेटा तू छोड़ देना मुझे, सुन तो एक बार। प्लीज मॉम प्लीज, ना मैं छोड़ रहा हूँ। यस सेक्स! ये ले बेटा तेरी ब्लैक कॉफी बिना चीनी के। थैंक्स माँ। साथ में सेल्फी ले। हाँ चलो, पाउट करो पाउट। वाओ कितनी अच्छी आई है ना। हाँ हैशटैग सुनना, बेस्ट मॉम। अरे सुन तो, हैशटैग OOTD सुनना। हाँ वो तेरी मायापुरी वाली चाची है ना, उनके पे सत्यनारायण भगवान की कथा है, तो मैं और तू चले साथ में। What? कथा मायापुरी? बेटा तेरे पापा और तेरे भाई के पास तो टाइम ही नहीं है, तो मैं और तू चलते हैं ना साथ में। मैं आयुष को बोल के अभी कैब बुक करवा लेती हूँ, और फिर हम दोनों साथ में शॉपिंग भी कर लेंगे शाम को, और टाइम से घर आ जाएंगे बेटा। मॉम या मेरा ऑलरेडी प्लान बना हुआ है, मुझे मिनी के साथ शॉपिंग पे जाना है, और उसके बाद शाम को वहीं से डायरेक्ट हम जाएंगे लिजी के घर डिनर करने, सो आई कांट। आप जाओ ना प्लीज। तो तू शाम को चले जाना ना पूजा के बाद लिजी के साथ डिनर पे। मॉम मेरे प्लान्स ऑलरेडी बने हुए हैं ना, आप चले जाओ प्लीज। ठीक है बेटा। OMG लिजी ने सेम आउटफिट कैसे? सीमा एक कप चाय ला दोगी? हाँ मनाली। सुनिए। हाँ वो अगले हफ्ते लंबा वीकेंड आ रहा है, तो हम सब मनाली घूमने चले। मनाली? हाँ अगले हफ्ते। हाँ यार इन सब चीजों की ना पहले से प्लानिंग करनी पड़ती है, और तुम्हें तो पता है मुझे ठंडी जगहों से एलर्जी है। तो हम प्लानिंग करते कब है? लास्ट 2 साल पहले हम सब एक साथ घूमने गए थे। तो क्या मैं अपना सारा काम छोड़ के तुम्हारे साथ घूमने निकल जाऊं? नहीं मेरा मतलब ये नहीं है। तुम्हारा मतलब यही है, मतलब कभी तुम्हें सत्यनारायण की कथा में जाना होता है, कभी तुम्हें मनाली घूमने जाना होता है। मैं काम करता हूँ, सारा काम छोड़ देता हूँ और तुम्हारे साथ घूमने निकल जाता हूँ। और तुम्हें घूमने का इतना ही शौक है, तुम अकेली क्यों नहीं निकल जाती? ठीक है अकेली चली जाऊंगी। चाय मिलेगी अब? हाँ ला रही हूँ चाय। मैंने फैसला कर लिया है। क्या? What फैसला मॉम? क्या फैसला कर लिया मम्मी? आप तो बिल्कुल ही मदर इंडिया फॉर्म में बोल रहे हो। मैं मनाली जा रही हूँ टूर पे। टूर पे? किसके साथ? आयुष। सॉरी पापा। किसके साथ जा रही हो? अकेले जा रही हूँ। पर मम्मी आप जाओगे कैसे अकेले? पागल वागल हो गए हो क्या? अरे बेटा पागल तो मैं हो ही गई थी, तुम सबका ध्यान देते देते मैं अपने बारे में तो भूल ही गई थी। और सुन
तुझे जब पाल पोस के मैं इतना बड़ा कर सकती हूँ ना, तो बाहर अकेले घूमने भी जा सकती हूँ। ले पराठे ले। अरे पर मम्मी, आपके बिना हमारा क्या होगा? खाना, कपड़े, टिफिन कैसे होगा सब? अरे बेटा, पूरे 19 साल की हो गई है तू, इतनी बड़ी हो गई है, अपना ध्यान तो रख ही सकती है ना। और तू खाने वाने की टेंशन मत ले, इंटरनेट पे सारी रेसिपीज मिल जाएंगी तुझे। पर सीमा, ये क्या तरीका है, इतनी बड़ी प्लानिंग करके बैठी हो, अकेली टूर पे जा रही हो? अरे अब टेंशन मिल लिए जाने वाने की, मैंने आना जाना सबकी टिकट शिकट बुक करके रख ली है। चलो अब तुम लोग नाश्ता वाश्ता करो, मैं निकल रही हूँ, मुझे तो लेट हो जाएगी, रेडी होने जा रही हूँ। दिमाग खराब हो गया तुम्हारी माँ का, अकेले घूमने जा रही है, कुछ बताया नहीं कैसे जा रही है। सीमा क्या हुआ? क्या तरीका है यार ये, हम लोग साथ में प्लानिंग करेंगे ना, पूरी फैमिली साथ में घूमने जाएगी। प्लानिंग के नाम पे आज तक आपने सिर्फ अपने बिजनेस टूर्स ही प्लान किए हैं, और बच्चों ने अपने दोस्तों के साथ ट्रिप्स प्लान किए। और रही बात मेरी प्लानिंग की, तो मेरी प्लानिंग तो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, बस। इसलिए अपनी सोलो ट्रिप मैंने खुद ही प्लान कर ली। मम्मी आप सच में जा रहे हो? तो तुझे क्या लगा बेटा, मैं सुबह सुबह जोक मार रही हूँ? ऐसा है मम्मी, मैं चल रहा हूँ आपके साथ, मुझे कोई पैकिंग वैकिंग की कोई जरूरत नहीं, मैं चल रहा हूँ। अरे बेटा तू क्या करेगा मेरे साथ जाके, तू जाके अपना क्रिकेट देख, कोई इम्पोर्टेंट मैच आ रहा होगा, मैं चली जाऊंगी। मम्मी पर ऐसे कैसे जा रहे हो, प्लीज रुक जाओ ना, हम साथ में शॉपिंग करने चलते हैं साथ में। बेटा वो लीजी और मिन्नी कब काम आएंगे, उनके साथ चली जाना शॉपिंग पे, और अब मुझे लेट हो रही है, मुझे जाने दे। एक काम करो, इन लोग के साथ नहीं जाना, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। सुनिए मैंने ना बुकिंग सिर्फ एक ही इंसान की है, तो इसलिए सिर्फ मैं ही जा पाऊंगी, ठीक है? मैंने मेट से बात कर ली है, तो तुम्हारा लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट सब फिक्स्ड है। चलो मैं जा रही हूँ। चलो स्टेशन तो छोड़ा हूँ तुम्हें। नहीं, कैब वाला आया ना गेट पे खड़ा है, मैं चली जाऊंगी। चलो अपना ध्यान रखना, बाय। सीमा, मम्मी, सीमा, सीमा। आज सीमा का ये फैसला हमें भले ही अजीब लग रहा हो, लेकिन उसका ये कदम जरूरी था, वो ये ट्रिप डिजर्व करती थी। हम अपनी मौज मस्ती और ज़रूरतों के आगे अक्सर घर की इन महिलाओं को फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। शायद हम ये भूल जाते हैं कि ये वही हैं जो सुबह अलार्म बजने से पहले अपनी नींद ख़राब करती हैं, और रात में सबको खाना खिलाने के बाद ही निवाला मुंह में रखती हैं। ये वही हैं जो वक्त आने पर टीचर भी बनती हैं, डॉक्टर भी, और काम वाली बाई भी। जब पति थक कर घर आता है तो इन्हीं की चाय से थकावट दूर होती है, और जब बच्चे को चोट लगती है तो मुँह से उई माँ ही निकलता है। ज़रा आँख बंद करके अपनी ज़िंदगी इन महिलाओं के बिना सोचिए, विश्वास मानिए, आँखें खुली रह जाएंगी आपकी। लास्ट ओवर चल रहा है यार। एक बार मैं अंकुश। यस सर। और एनर्जी। किस पूजा? यार पूजा, सत्यनारायण की पूजा। पूजा। सैड 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 लुक सैड। अरे ये पैक रहा।